अविश्वास प्रस्ताव लाने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धर्मजयगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ एक बार फिर भाजपा के पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने स्थानीय एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि यहां नगर पंचायत की अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से है, जिन पर इल्जाम लगाते हुए बीजेपी पार्षदों ने बताया कि भाजपा के पार्षदों के साथ वो सौतेला व्यवहार करती है। नगर में कहीं विकास नजर नहीं आ रहा, सड़कों की हालत खस्ता है और केवल अपने ही वार्ड के में विकास में ध्यान दे रही है। हम लोग नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ पुनः अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। पिछले साल अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, दुर्भाग्य से अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी नगर पंचायत अध्यक्ष की आदत में कार्यशैली में किसी प्रकार का सुधार नहीं होने की वजह से हम सब संतुष्ट हैं। और पिछले दिनों एक पत्र भी जारी हुआ है, सभी पार्षदों के नाम पर उन्होंने एक कलेक्टर को पत्र दिया है कि सब पार्षद उसको तंग मतलब कार्य नहीं करने देते, कार्य में अड़ंगा डालते हैं, ऐसा करके जिससे सभी पार्षद छूटते हैं, चाहे पक्ष के हों, विपक्ष के हों, निर्दलीय हों, जो भी हों। और पुनः हम सब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, इसी उद्देश्य से यहाँ आए थे। क्या लगता है इस बार बहुमत मिलेगा आपको? अब देखिए, हम विपक्ष में है, विपक्ष का काम है अविश्वास प्रस्ताव बीच बीच में लाना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने सभी पार्षदों के खिलाफ आरोप पत्र कलेक्टर को दिया है, इससे लगता है कि बहुत सारे पार्षद छूटते हैं, चाहे पक्ष के हों, विपक्ष के हों, और सफलता इस बार जरूर मिलेगी। हमने उनका वर्जन लिया था, उन्होंने कहा नहीं, वर्तमान में यथास्थिति काम कार्य सही चल रहे हैं, बता रहे हैं। नहीं, कहना और देखिए, जो लिख के दिया है उसको हम माने कि कहने को माने, लिखित में आया है लेटर, सबके सामने सभी ने पढ़ा है उसको, सभी पार्षदों के ऊपर आरोप लगाया गया, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। भाई, हम तो विपक्ष में हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि मैंने पार्टी से ऊपर उठकर हम नगर विकास में हमेशा सहयोग करें। बात हम सब शुरू से बोलते आ रहे हैं कि छोटे से नगर है, नगर पंचायत है, हम सब एक हैं और नगर का विकास होना चाहिए। हम भी वार्डों से जीत के आए हैं, वार्डों में अगर काम नहीं करा पाएंगे तो हमारी बेइज्जती है, इसलिए हम लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना चाहते हैं। लेकिन अध्यक्ष का ऐसा मनसा नहीं है, वो केवल अपने वार्ड तक सीमित है और हमेशा दुर्भावना विपक्षियों के साथ दुर्भावनावश कार्य करती है, इसलिए हम सब छूटते हैं। धर्मजयगढ़ से असलम खान की रिपोर्ट।